ठीक है। तो आपके पास अब जॉब कौन कौन से हो गई, कटिंग डिपार्टमेंट में आपके कटिंग करने वाले हो गए, लेयर लगाने वाले हो गए, कटर चलाने वाले हो गए, बंडलिंग करने वाले हो गए। इसके बाद टेलरिंग डिपार्टमेंट में आपके सिलने वाले हो गए, और इन लोगों के ऊपर एक सुपरवाइजर। अब कटिंग और टेलरिंग के अलावा भी अब इसमें बटन लगाने वाले भी हो, कपड़ों में बटन भी लगेंगे, इंटरलॉक करने वाले भी हैं। उसके बाद आपका आता है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। जैसे हल्का सा ऑयल लगा हुआ है, कहीं चौक का निशान रह गया है, तो उसमें एक छोटा सा एल्ट, एल्ट मतलब अल्ट्रेशन टैग लगा दिया जाता है और वहाँ भेज दिया जाता है जहाँ वो ठीक होता है। कबर फिटिंग में प्रॉब्लम होती है, कई बार सिलाई छुटी हुई होती है। इसके अलावा इसमें एक होते हैं फिनिशिंग सुपरवाइजर, जो फिनिशिंग तो चेक करते ही करते हैं, लेकिन उसके बाद गारमेंट को पूरा मेजर करते हैं और वो ये देखते हैं क्या इसको अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ये है, जो मेजरमेंट हमें दिया गया है उतनी चेस्ट, उतनी लेंथ, उतनी बाजू इसकी है, तो उसमें मेजरमेंट सुपरवाइजिंग भी होती है। ठीक है, फिनिशिंग के बाद आपका आता है प्रेसिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे इसको प्रेसिंग की जाती है और पैकेजिंग की जाती है। प्रेसिंग, लेबलिंग, लेबलिंग में आपके जो टैग वगैरह लगाए जाते हैं साइज के, रेट के, वो टैग लग के, और उसके बाद पैकेज। ठीक है, इसके बाद आपके किसके टैग लगते हैं, फिर पैकेजिंग। तो आप समझ सकते हैं ये सारे ही काम करने के लिए कोई ना कोई चाहिए हमें, तो ये सारी जॉब्स भी आपके लिए हैं। इतने सारे काम होने के बाद क्या होगा, आप कहेंगे शिपमेंट, सामान को हैंड ओवर करना, नहीं। इतने सारे काम करने के बाद भी अगर आपका कोई प्रोडक्ट फॉल्टी निकल जाता है, तो आपका पूरी की पूरी शिपमेंट कैंसिल हो जाती है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। तो हमें क्या करना है इसके बाद, इसके बाद आपकी होती है फाइनल क्वालिटी चेक। क्या होता है, फाइनल क्वालिटी चेक। ये क्या होता है फाइनल क्वालिटी चेक, आपकी क्वालिटी चेक की जॉब लग सकती है। इसमें आपको क्या करना है, आपके पास जो बायर ने प्रोडक्ट दिया है उसका सैंपल आपके पास है, आप चलती प्रोडक्शन में से पीस निकालेंगे रैंडमली। रैंडमली क्या होता है, कोई भी पीस निकाल लिया। एक होती पर पीस चेकिंग, एक होती रैंडम चेकिंग। पर पीस चेकिंग हमारे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हो चुकी है, ये रैंडम चेकिंग है। इसमें आप कोई भी पीस निकालेंगे और उसको कस्टमर के सैंपल से चेक करेंगे, इज दिस ओके। चार या पाँच पीस चेक करने के बाद ही आप शिपमेंट को, तो दिस इज फाइनल क्वालिटी। धन्यवाद।